तो यार मुझे आप लोगों तो नहीं पता, पर बचपन में मुझे लगता था कि इस चीज़ को सॉल्व करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, और जो भी इसको सॉल्व कर लेगा पक्का ही कोई जीनियस होगा। पर अभी कुछ टाइम पहले मैं यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था, तब मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने बताया था कि हम इस चीज़ को, जिसको हम बाय द वे रूबिक क्यूब बोलते हैं, इसको हम 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्री तो मैं था ही, तो मैंने सोचा इसको सीखते हैं और इस पूरी प्रोसेस को एक वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह डे वन R0। तो गूगल करने के बाद मुझे पता चला कि इसको सॉल्व करने के 4 मेथड हैं, जिनमें से मैंने सीफॉक का यूज़ किया है। तो मैंने सीफॉक के सारे एल्गोरिथम इस पेज पे लिखे और इस पे अप्लाई करके देखे, चेक करने के लिए कि ये एक्चुअली वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, और सरप्राइजिंगली ये वर्क करे। पर पहली बार इसे सॉल्व करने के लिए मुझे 26 मिनट लगे। इसका मतलब है कि मुझे 12 टाइम और फास्ट होना पड़ेगा ताकि मैं इसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाऊँ। सी फॉर्म में बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, फर्स्ट लेयर पर क्रॉस बनाना। स्टेज 2, फर्स्ट और सेकेंड लेयर को अरेंज करना। ये दोनों ही स्टेजेस प्योर लॉजिक पर सॉल्व होती हैं। स्टेज 3 और 4 में टॉप पर मिले हुए पैटर्न के हिसाब से हम उसमें करेक्ट एल्गोरिथम लगाते हैं। क्यूब को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम टाइम फर्स्ट 2 स्टेज में देना होता है, और उसके बाद करेक्ट एल्गोरिथम लगाना पड़ता है। लेकिन रुकिए, मुझे प्रैक्टिस करता देख के आप लोग पक्का बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आया हूँ। तो एक 3x3 क्यूब में 43 क्वांट्रिलियन, 252 क्वाड्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 274 बिलियन, 489 मिलियन और 856,000 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। और ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर हम क्यूब के फेस को हर सेकंड टर्न करते हैं तो हमें टोटल 1.4 ट्रिलियन ईयर्स लग जाएंगे सारे कॉम्बिनेशन देखने के लिए, और तब तक यूनिवर्स डीजनरेटेड एरा में आ जाएगा। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं, तो आप इस क्यूब को देख भी नहीं पाएंगे। इतने सारे कॉम्बिनेशन होने के बाद भी गूगल के हिसाब से हम कोई भी कॉम्बिनेशन को 20 मूव से कम में सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब सॉल्व करते करते मुझे अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स हो चुके हैं। सारे एल्गोरिथम मेरे माइंड में है, अब मुझे पेपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके कारण मेरा टाइम बहुत कम हो चुका है। तो 1980 में कुछ स्पीड क्यूबर ने मिलकर सीफॉप इन्वेंट किया था। सीफॉप की हेल्प से ही फेलिक्स जेमडेग ने रूबिक क्यूब को 4.22 सेकंड में सॉल्व किया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पर अभी रिसेंटली ही यासिन डू ने उन्हें 0.75 सेकंड से बीट किया और 3.47 सेकंड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये है डे 4, और प्रैक्टिस करते करते मुझे अप्रॉक्सीमेटली 14 आवर हो चुके हैं। तो आज मैं अटेम्प्ट करूंगा क्यूब को 2 मिनट के अंदर सॉल्व करने का। अरे यार, बहुत क्लोज था ये वाला। One minute 43.